पर लगे बैन से हताश यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर आई है। आज टिकटॉक पर लगे बैन के मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को 24 अप्रैल तक टिकटॉक पर लगी अंतरिम रोक के आदेश पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर 24 अप्रैल तक मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले पर विचार नहीं किया तो टिकटॉक पर लगी रोक हट जाएगी। दरअसल भारत में टिकटॉक पर रोक से कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पेश की थी। कंपनी को इससे काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना किया था, लेकिन अब टिकटॉक ऐप का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है और याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। बीते दिनों मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि देश में टिकटॉक ऐप को डाउनलोड पर रोक लगाया जाए क्योंकि यह अश्लील कंटेंट का प्रसार कर रही है। कोर्ट ने मीडिया को भी आदेश दिया था कि वो इस ऐप से बने अश्लील वीडियो का प्रसारण ना करे। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने गूगल और एप्पल को चिट्ठी लिखकर ऐप के डाउनलोड पर रोक लगाने को कहा था, जिस पर गूगल और एप्पल ने टिकटॉक ऐप को हटा दिया था। जानिए क्या है टिकटॉक की खास। टिकटॉक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसमें स्मार्टफोन के जरिए यूजर्स छोटे छोटे वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। चीन में सितंबर 2016 में टिकटॉक लॉन्च किया गया था। टिकटॉक ऐप दुनिया में इतनी जल्दी लोकप्रिय हुआ कि साल 2018 में ये ऐप अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में टिकटॉक के डाउनलोड का आंकड़ा 100 मिलियन से भी ज्यादा है। भारतीय में टिकटॉक की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 8 मिलियन लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पर इसका रिव्यू किया है। भारत में टिक के दीवानों में बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल है, यहां तक कि अब फिल्म स्टार्स भी इसका यूज करने लगे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।